हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप से थोड़ा ज़्यादा एंड कंपनी से थोड़ा कम। दैट मीन्स पार्टनरशिप में जो ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लाया गया। और कंपनी से थोड़ा कम इसलिए लिखा है क्योंकि कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लाने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, जिसको 2008 में लाया गया था, जिसको LLP एक्ट 2008 बोलते हैं। एंड ये इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 2009 से। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है। पहला है नो सीलिंग इन नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप में क्या था, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 था पहले, अब जिसको हम मैक्सिमम 50 कर दिया गया था। बट LLP में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मिनिमम 2 तो है बट मैक्सिमम में कोई भी सीलिंग नहीं है, मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज आर लिमिटेड अप टू शेयर कैपिटल। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था पार्टनरशिप का, जिसको ओवरकम करने के लिए LLP लाया गया। तो पार्टनरशिप में क्या होता था कि हम सपोज़ अगर कोई अचानक कोई लाइबिलिटी आ जाती थी बड़े अमाउंट की पार्टनरशिप में, तो एंड उसके पार्टनरशिप के एसेट्स काफ़ी नहीं होते थे वो लाइबिलिटी को पे करने के लिए, एंड पार्टनर्स के शेयर भी काफ़ी नहीं होते थे उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी बिक सकती थी उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। दैट मीन्स कि जो पार्टनर्स होते थे वो पर्सनली लाइबल होते थे कि वो लाइबिलिटी को पे करें। बट ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था पार्टनरशिप का। बट ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए LLP लाया गया, जिसमें पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनर्स ने 10,000 के शेयर कैपिटल लगाए हुए हैं LLP में, एंड कोई लाइबिलिटी अराइज होती है LLP में, एंड LLP के एसेट्स काफ़ी नहीं होते हैं उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो जो पार्टनर्स हैं उनके शेयर कैपिटल ही हम यूज़ कर सकते हैं, सपोज 10,000 ही यूज़ कर सकते हैं, और वो यूज़ करने के बाद भी अगर लाइबिलिटी पे नहीं होती है तो हम पार्टनर्स जो होते हैं वो पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था लाइफ पार्टनरशिप का, जिसको ओवरकम किया गया है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड अंडर ROC। पार्टनर्स जो LLP होता है ये रजिस्टर्ड होता है अंडर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के चला गया या फिर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो हमारा पार्टनरशिप जो है वो बंद हो सकता है या फिर बंद हो जाता है, जबकि LLP में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बंद नहीं होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स चाहे आए चाहे जाए, क्योंकि LLP बंद नहीं होता है, ये परपेचुअल सक्सेशन है, दैट मीन्स ये चलता ही रहता है। और हालांकि जबकि ये रजिस्टर्ड होता है ROC के अंदर, सो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जिसको अगर हमें बंद भी करना है तो एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है, और उसको फॉलो करने के बाद हम उसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स हैव टू बी पब्लिश्ड और ऑडिट विथ ROC। LLP जैसे मैंने बताया आपको कि ये रजिस्टर्ड होता है अंडर ROC, इसलिए LLP के जो अकाउंट्स होते हैं उसको पब्लिश करने होते हैं या फिर ROC के अंदर ऑडिट करने होते हैं। तो ये है जो पार्टनरशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम थे जिसको सॉल्व करने के लिए LLP लाया गया था। तो इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये लाइबिलिटी का ही था, कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी पार्टनरशिप में और उसको लिमिटेड किया गया है, ये सबसे बड़ा था जो उसको ओवरकम किया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सकें। Thank you so much.